दिव्य गुण जो गुण नॉर्मल नहीं है उसी दिव्य गुण कहेंगे ना। अब जैसे लेट उठना नॉर्मल है दुनिया में, तो दिव्य गुण क्या होगा? जल्दी उठना, सहज उठना, नेचुरल होना। तो बाबा ये दिव्य गुणों की स्थापना कर रहे हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 21:6, मीठे बच्चे तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते। मधुबन में किस लिए जाते हैं? ना तीर्थ पे जा रहे हैं, ना तीर्थ नहीं है मधुबन, क्योंकि तीर्थ में भी कंसेप्ट क्या है, दर्शन करके आओ या उस समय तपस्या कर लो तीर्थ का। वैसे तो तीर्थ स्थान है मधुबन, लेकिन तीर्थों में इसलिए थोड़ी जाते कि वहां से हम चार्ज होके आएंगे तो यहाँ वो उसका इम्प्लीमेंट करेंगे जो वहां लोग एक एक महीना सत्संग करके करने जाते हैं। पहले होता था, अभी जैसे एक सप्ताह का भी यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ कुछ करते हैं, तो उसका मीनिंग ये नहीं होता है ना कि वहां से भर के फिर यहाँ आके कुछ करना है, वो कंसेप्ट से नहीं आते। बाबा कहते हैं यहाँ तुम उस इसलिए तीर्थ पे नहीं जा रहे हो। अच्छा प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे? आज योगा डे है ना, हेल्थ, तो एवर हेल्दी बनना है। वो तो खाली हेल्दी बनाएंगे, योगा एवर हेल्दी तो नहीं बनाता है ना। बाबा कहते हैं अगर एवर हेल्दी बनना है तो क्या किस विधि से चलना है? सिंपल है, कल का थोड़ा कंटिन्यूशन है बाबा की। ट्रस्टी श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। राजयोगी कमल फूल समान बनकर रहना है। कल का कंटिन्यूशन करो बाबा, बाबा कल का ही जो कंटिन्यूशन, ट्रस्टी का भी कंटिन्यूशन। ममत्व हटाना। बाबा कहते हैं एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा ने कराया, बाबा का है, बाबा ने मुझे भेजा, कितने बार हो सकता है ना? बाबा बाबा, तुम्हीं से खाओ, तुम्हीं संग घूमो, सब कुछ सेकंड बुद्धि से बाप हवाले कर दो। बुद्धि से आज भी हवाले किया, रोज अमृत वेला ये एक नियम बनाओ, जैसे वरदान लेने का नियम बनाते हैं ना। कल कुछ भी आया, कुछ एप्रिसिएशन मिली, कुछ गिफ्ट मिला, कुछ अमाउंट मिला, कुछ कमाई हुई, प्रॉफिट हुई, आज क्या करना है? ऐसे तो उसी समय कर दो ताकि थोड़ा सा भी, पर सब कुछ बाप हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलो थर्ड कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज में ममत्व न रहे। फोर्थ, अच्छा इसके बाद अर्पण कर दिया, उसके बाद अर्पण करे वापस बाबा को, कल की तरह सारा अर्पण कर दे पूरे दिन का बाबा की टेबल पे, पतन में बाबा की टेबल, बाबा के पास पहुंचे। और बाप दादा
की गोद में। तन दिया बाबा, ये तन आखिरी श्वास तक आपकी सेवा के लिए यूज करना। मन बुद्धि बाबा की गोद में बैठ रही है, संस्कार संबंधी धन वैल्यूबल्स चेकबुक पासबुक बाबा के हाथ में, डॉक्यूमेंट्स फाइल बाबा के हाथ में, और अब मैं आत्मा कंप्लीटली फ्री, ओके शांति। तो बाबा कहते अर्पण करके, कर दिया ना अर्पण, उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत है दूर देश का रहने वाला, दूर देश के रहने वाले के पास बच्चियां मिलने आती है। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती है, वहां पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती है। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता के पास मिलने। ये जानते हो माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं प्राय देश में? अच्छा क्यों आते हैं? परमात्मा बाबा क्यों दूर देश में आते हैं? इतना दूर चल के क्यों आना होता है किस कोई को? बहुत बड़ा पर्पस होता है तब आएंगे ना। स्वर्ग रचने, उनसे मिलने के लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से कितना दूर देश से आते हैं, विलायत से भी आएंगे। 69 विलायत में एक भी सेंटर नहीं था, बाबा कह रहे विलायत से भी आएंगे। इसलिए कोई किस लिए आएंगे? कोई चीज देखने के लिए नहीं, आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती है मात पिता से मिलने। मात पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? मात पिता के सामने बैठे हैं, जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से। इसलिए श्रीमद का इतना गायन है, भगवान उवाच श्रीमद गाई हुई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमद का गायन नहीं है, सबसे श्रेष्ठ मात पिता है जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता मात पिता का आह्वान करते हैं कि इस छीछी पतित दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। अब वो पराए देश में आया है, तुम भी अपने देश में बैठे हो, पराए देश में बैठे हो। क्यों? परम धाम मेरा देश है। हमारा देश कौन सा है? परम धाम। और कोई देश है पक्का? अच्छे से बताओ। सूक्ष्म वतन, अच्छा तो टेम्पररी क्रिएशन। परम धाम पिताजी का बनाया हुआ घर, मेरा घर तो सत्युग त्रेता शिवालय, शिव का आलय। तो अब वो पराए देश में, तुम भी पराए देश में हो। ये रावण का देश है, ये अकासुर बकासुर पोतनाए सूप नखाए हिरणा कश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्य पर नाम है। असुरों का कोई नाम ही नहीं, रूप असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, न देवताओं का दूसरा रूप है, न चार भुजाएं है तो वह भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था।
सत्युग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। शिव बाबा का घर है ना, तो वो हमारा घर, तो परमधाम भी हमारा, ये भी हमारा। वैसे भी जैसे जैसे हम ज्ञान में एग्जैक्टली चलते हैं, तो कभी कभी क्या संकल्प आता है कि ये वाली दुनिया ना हमारे लायक नहीं है, हम इसमें फिट नहीं होते, हम मिसफिट है लगता है ना, क्योंकि वहां एक्सट्रीम नेगेटिविटी और नॉर्मल, और यहाँ एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और नॉर्मल। तो बाबा कहते हैं, तो अब हो तुम पराए घर, रावण के घर में, रावण के घर में है, तो माँ, तो बाप आकर पराए घर में रहने की फीलिंग कैसे होती है? किसी के कभी पालना हुई हो, क्या बोलते, ताऊ के पास, चाचा के पास, तो कैसे फीलिंग होती है? चाहे कितनी भी प्यार से पालना करे, मतलब फिर भी एक डिस्टेंस रहता है, उसको लगता है कहीं वो नाराज ना हो जाए, उसको लगता है कहीं ये नाराज ना हो जाए, तो फॉर्मेलिटी है और थोड़ा जबरदस्ती भी, नेचुरल नहीं है। तो ये पराए देश है। आधा कल तो माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो, सत्युग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहां पुनर्जन्म लेते आए हैं, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है हम किसके सामने बैठे हैं? यह किसके सामने बैठे हैं? फादर के सामने। अभी फादर के सामने टीचर है ना, वहां टीचर बैठा है, ये टीचर भी है, सदगुरु भी है। कभी कभी फादर समझते ना टीचिंग में, थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाते, मेरा फादर ही तो सामने बैठा है, टीचर है। तो तुम माताएं भी टीचर हो, सदगुरु भी हो, तुम भी पढ़ाती हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो, तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए हैं। यह तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है, जड़ सागर तो है नहीं जो डुबो दे। कैसे बाबा कहाँ कहाँ, उन दिनों बाबा साकार में जहां जहां जाते थे, रजौरी आते थे, वहां बाबा आते हैं, बाबा आ जाते थे शिव बाबा, और फिर बाबा बॉम्बे जाते थे, वहां भी बाबा आए हैं, दिल्ली, हाँ वही रजौरी गार्डन दिल्ली। जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे, नहीं, ये चैतन्य है, गायन है आत्मा परमात्मा, अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया। हाँ, तो उनसे मिलने के लिए आत्माएं भी आती है, कहाँ कहाँ से बच्ची आती है, बाप भी चक्र लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। भक्तों ने तो जहां तहां मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के दिल्ली में बाबा आते थे, रजौरी, और फिर माथुर जी की कोठी, मेजर की कोठी, कैंट में बाबा आए थे, जहां 2000 का बच्चे आए थे उन दिनों का, 2000 मतलब पंजाब में भी ज्यादा नहीं थे उस समय, पंजाब से सब बच्चे आए थे उस समय के। तो कहाँ कहाँ से बच्चे आती है, बाप भी चक्कर लगाते हैं। भक्तों ने तो जहां तहां मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो है देहधारी, और जो भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी है, इन सब से ऊंचते ऊंच है भगवान, उनको अपना शरीर ही नहीं है, उनको तो सभी बाप कहेंगे, परम पिता गॉड फादर। उनको तो न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है, आते भी है जरूर, अच्छा कैसे आते हैं यह सब भूल गए। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना श्री कृष्ण पतित पावन है, न श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते,
देखो पतित पावन अगर भक्ति में गायन है भगवान के लिए, और दूसरा राम पतित पावन सीताराम क्यों, और गंगा पतित पावन, बाकी और किसी के लिए पतित पावन नहीं बोला। सागर बाकियों के लिए पतित पावन क्यों नहीं कहा, इनके लिए गंगा पतित पावन ही अंडरस्टूड, क्योंकि राम के लिए बोलते हैं ना एक राम दशरथ का बेटा, एक कृष्ण के लिए कभी नहीं कहा, वो चार राम बताते, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, तो राम के लिए हमेशा बोलते हैं। मतलब उससे को कंबाइंड कर दिया ना, इसलिए सीता राम तो वो उन लोग वही वाले समझते, इसलिए सीता कर दी। हाँ तो कितना राम के लिए, राम का नाम। अच्छा नंबर्स भी है 2000, तो राम एक निराकार के रूप में भी बोला जाता है इवन भक्ति में। परम पिता गॉड फादर, तो श्री कृष्ण भगवानुवाच तो रॉन्ग हो गया, श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे, क्या देवता है, नहीं पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए, उसमें भी बोलते हैं ना यज्ञ किया तो उससे ब्राह्मण पैदा हुए, यज्ञ से ब्राह्मण पैदा हुए, और ये ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम है। किसमें है, शायद रामायण में बताते हैं यज्ञ की महिमा, वो कौन सा राजा प्रताप भानु, जो मतलब बड़ी लंबी स्टोरी है लेकिन उसमें उसको जब मोटिवेट करना था कि ब्राह्मण ब्राह्मणों को खिलाओ, हाँ नहीं उसमें दूसरे वे से है लेकिन कहीं तो है मुझे जहां तक याद है रामायण में, पर उसको ब्राह्मणों को उसके लिए बताया था कि ब्राह्मण की कितनी महिमा है। खैर यज्ञ का कंसेप्ट कहीं और से है, तो बाबा तो ये कहते हैं या तो गीता में होगा शायद, इस यज्ञ को तुम जितना करेंगे, हाँ हाँ ये बोला, ये किस में है, गीता में होगा। हाँ तो श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे, क्या देवता ही रचेंगे, पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए फिर ब्रह्मा चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ है, श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती, ब्राह्मण तो ये ब्रह्मा से कनेक्टेड है ना, तो पहले ब्रह्मा होगा तब तो ब्राह्मण होंगे। श्री कृष्ण द्वारा सत्युग स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया, परंतु तुम बच्चे जानते हो जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते वो तो समझेंगे ये भी एक सत्संग है जहां गीता सुनाते हैं, परंतु यहाँ कौन सुनाते ये तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलवड मात पिता सुनाते हैं, कितना मीठा कितना प्यारा है, तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते क्योंकि सभी मीठा नहीं है, कोई स्वीट नहीं है, क्योंकि सभी कड़वे, क्यों कड़वे के बाद एक और वर्ड है, क्यों कड़वे है, कड़वे विकारी है, जो विकारी होंगे कड़वे होंगे, बाप उनको पावन बना रहे हैं, तो ऊंचते ऊंच है भगवान, उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं अभी वह सब पतित है, जब तक बाप आकर पावन न बनाए तो सब पतित दुखी रह जाते हैं। अच्छा जैसे मनुष्य कहते कलयुग हजारों वर्ष का है, ये तो इम्पॉसिबल है, महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं, तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा ही नहीं सकते, सभी यहां भटकते रहते हैं, जैसे भूल भुलैया है
सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा मिलता नहीं है, है ना। कौन कौन गया है? भूल भुलैया लखनऊ वाला नहीं गए, दिव्या बहन नहीं गई, देखना वहां। वो स्टार्टिंग में गाइड बता देता है, लखनऊ का स्टार्टिंग में गाइड बता देता है, उसके बाद फिर वो नहीं। एक पंडरपुर में भी है। कहाँ? पंडरपुर। पंडरपुर, अच्छा। हाँ, अब पता नहीं हमको तो लखनऊ का पता है, हाँ होगा, पर कंसेप्ट यही है। फिर वो बहुत बड़ा है या नहीं पता नहीं, लखनऊ का तो फेमस है इसका। तो एनीवे, एनी भूल भुलैया में स्टार्टिंग में गाइड बता देगा, उसके बाद क्योंकि सब रास्ते दिखते हैं पर कोई भी रास्ता एग्जिट वाला नहीं होता है, एक ही रास्ता होता है। हाँ। तो बाबा कहते जैसे भूल भुलैया है, सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा मिलता ही नहीं है, चाहते मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट में जाए। अच्छा, कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये तो नरक है। स्वर्ग में तो तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखलाए, तब राजाई व प्रजापद पा सकते हैं। अब यह है कमाई, कहते ना इसने कौन सी कमाई की जो इतना साहूकार बना, तो सत्यु के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो ये ऐसे बने? जरूर कलयुग के अंत में की होगी, बहुत पहले करते तो बाद में यूज हो जाता ना। द्वापर में अगर करते तो पहले यूज हो जाता। चेयर ले, रग लगा लो एक और। आता भी नहीं, नहीं मतलब चलो फ्यू लोगों ने किए, बहुतों ने नहीं किए। कितना एक्यूरेट है ना, क्योंकि अगर कमाई की का मतलब क्या है, उसके हिसाब किताब सेटल हो गए तो फिर तो इमीडिएटली उसको उसका मिलना पड़ेगा ना, ज्यादा देर परमधाम में थोड़ी बैठ सकते आत्मा। तो जरूर कलयुग अंत में की होगी इसको। अब तुम कलयुग और सत्युग के संगम पर हो, अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बने। जरूर उसकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और संगम युग, संगम सत्युग के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं, कहते बच्चे जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूं वही करो। दो तीन चेयर यहाँ आगे ला दो ना, ये पूरी जगह खाली है। रीमा बहन तो बाबा कह रहे बस मनोज भाई बैठ जाओ, दो जन है। जब सत्युग से त्रेता होता है तब भी किसको पता नहीं पड़ता कि सत्युग त्रेता का संगम पास हो रहा है, ये पीछे गाया जाता है। देखो सत्युग से त्रेता होता है, कैसे पता चलेगा कि अब? हाँ, लेकिन वो सत्युग से अब त्रेता हो रहा है ये पता, बाबा कहते पता नहीं पड़ता है। आठ राजाएं कंप्लीट हो जाएगी, आठ की राजाई, तो अब उसके बाद राम सीता का राज्य होना है, तो अब हो गया त्रेता युग। राजाई से तो युग बदलता है ना। तो ये पीछे गाया जाता है, सत्युग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे। द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। ये अब तुमको, ये सब अब तुमको पता पड़ा है, पता पड़ता पड़ता है। ये ज्ञान और कोई में है नहीं, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो,
तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं है वहां वेद शास्त्र सुनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। कोई है एम ऑब्जेक्ट? अच्छी है, अच्छी बातें सुनना, ये एम नहीं होता है। इसलिए कहां एम होता है? स्टडीज में नॉर्मल कि डॉक्टर बनना है या ग्रेजुएट, इवन ग्रेजुएट बनना भी तो कुछ एम चाहिए। तो बाबा इसलिए कहते जो भी दुनिया में गीता पाठशाला है वहां वेद शास्त्र सुनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट कोई है नहीं। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं, वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास देखो, जहां एम ऑब्जेक्ट होता है ना वहां फिर रैंकिंग भी होगी, और रैंकिंग होती है मतलब कॉमन एग्जाम होता है, कॉमन एग्जाम होता है मतलब कॉमन स्टडीज होगी, तभी तो फिर एम ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। अगर किसी को स्पेशल स्टडी हो, किसी को स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाए, फिर तो कॉमन एग्जाम नहीं हो सकते। तो बाबा के यहाँ हर कोई को पढ़ना है, चाहे वो दादी दीदी हो चाहे वो ब्रह्मा बाबा हो, एक ही पढ़ाई है। तो खाली एम ऑब्जेक्ट ही बोलना काफी नहीं है, ये सारा उसके लिए पूरा स्टाइल्स चाहिए। वो पढ़ाई फिर एम ऑफ स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं, वो पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से क्या एम ऑब्जेक्ट है, से पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। हाँ, फिर वहां से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है वो सारा पता है। तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने, इतना भर रहे 21 जन्म चले, कितनी ऊंच पढ़ाई है। तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच भगवान एक है ना, बाकी तो सब है बहन भाई। अच्छा, ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु सब इनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, ना भाई भाई से मिलता है, ना बच्चे बच्चे बच्चों को दे सकता है, वर्षा बाप से ही मिलता है। तो किससे नहीं मिल सकता है वर्षा? उससे मिलता है, आत्मा का वर्षा उससे मिलेगा, शरीर के बाप से थोड़ा बहुत यहाँ का वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं हाँ, किससे नहीं मिलता है? शिव बाबा से मिलता है, भाई भाई से नहीं मिलता। तो किससे नहीं मिलता? बच्चों से बच्चों को वर्षा नहीं मिलता, किससे नहीं मिल सकता? कोई भी देवी देवताओं से वर्षा नहीं मिलता, मतलब सुख शांति प्योरिटी ये सारे वर्षा देवी देवताओं से मिल नहीं सकता, मिल नहीं सकता। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा, और पुरुषार्थ भी कितना सहज है। अच्छा अच्छा, इतना ज्ञान नहीं सुना सकते हो तो क्या करो? आज एक और बात बाबा कह रहे, तो तीन पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो। इतनी मैं नहीं कर सकता हूँ, ज्ञान नहीं सुना सकता हूँ, तो अगर स्थान है उस स्थान को यूज करो। सुभाष आपने बोर्ड में लिख दो, उठे हो 8 बज गए हैं, आपने बोर्ड में लिख दो कि अब उसके साथ बोर्ड लगाओ, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लो। अच्छा, छोटा बोर्ड ही लगाओ,
पहले ऐसे लगाए है, देखे आप लोगों ने ऐसे वाले लगे हुए बोर्ड? आजकल तो खैर ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हम लिखते हैं, वहां ये विदेशों में तो क्या बोलते हैं उसको, इनर स्पेस, आजकल ये भी नया गुड़गांव में एक इनर स्पेस बंद कर दिया, मार्केट में इनर स्पेस सब जगह, बहुत जगह हमने देखा विदेशों में, पर एक्चुअली बाबा का ये मकसद था, उसमें लिखो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार, ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर भला कर पूछो, रजौरी गार्डन में लिखा हुआ था, अभी है, अभी भी है, हाँ रजौरी गार्डन का सेंटर है ना, मम्मा के समय का सेंटर है, वहां लिखा हुआ है, ऐसे पुराने पुराने शक्ति नगर में भी लिखा हुआ हो, है अभी लेटेस्ट, अभी नहीं होगा करने के बाद, और ये इसमें भी था करोल बाग में, अभी फिर थोड़ा चेंज किया है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज लिख दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे लिखो, भल तुम जिसको भल आकर कोई पूछे, तुम जिसको मात पिता कहते हो वो तो जरूर स्वर्ग का रचता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, वो कहते निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो, इनके साथ रहते हुए सामने देखते हुए बुद्धि वहां लगानी है, बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना, बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, सबको पता है ना बाबा का ऑर्डिनेंस एक ही है, कौन सा, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो, और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते, अपने बच्चों को बोला जाता है ना कुछ स्ट्रॉन्ग बातें, बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ ही नहीं सकता जब तक सात रोज आकर न समझे। कहानी है ना इंद्रप्रस्थ में, पुखराज पर एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई, तो ये कायदा नहीं है, जब तक सात रोज भट्टी में नहीं डाला है, उस उन दिनों तो 7 days का कोर्स किया और फिर बस बाबा से मिलने के लिए अलाउ कर देते थे, बाबा को चिट्ठी लिख देते थे, वो दादिया वो कोर्स तो दादिया कराती थी, इतना फोर्स बढ़ती थी उसमें, उसका दिल होता था कि बाप से मिलूं, तो जब तक सात रोज भट्टी में नहीं डाला है, भट्टी में स्वच्छ होने बिगर बैठ नहीं सकते। हाँ कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो है ना कि सुबह का क्लास देखे, तो ये मधुबन की बात बाबा कह रहे हैं तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, कोर्स नहीं किया है मधुबन जाना चाहते हैं, कोई ऐसे है तो फिर अब उस आत्मा से बहुत सेवा होती है, तो श्रीमत लेके उनको परमिशन, वो भी मतलब देखने के लिए, तो क्लास देखे तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, केस टू केस देखते हैं, अच्छा है उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, ऐसो को अलाउ किया जाता है मधुबन में, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है, कई होते थे ना सुनते थे इतने साक्षात्कार होते तो चलो हमको भी मिलना है, फिर वो ऐसे कोई आत्मा है लायक है तो बाबा भेजते थे, अलाउ करते थे। तुम सबको समझाओ, कानपुर के एक, जिससे कानपुर में सेवाएं शुरू हुई थी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ऐसे ही आए थे, छुट्टी मिली थी देखने के क्या है यहाँ क्या होता है, क्योंकि सुना था, और ये गंगे दादी ये सब गई वहां, नहीं वो बाद में गई, तो मतलब वो पहले आए, जैसे ही वहां आए बाबा से, बाबा को देखा, बाबा ने दृष्टि दी साक्षात्कार, 3 दिन वो साक्षात्कार की फेज स्टेज में रहे, उसके बाद फिर बाबा ने
गंगे दादी को भेजा कानपुर में सेवा शुरू। तो बाबा कहते ऐसे किसी को छुट्टी देनी पड़ती है, तुम सबको समझाओ ये हमारे माता पिता है जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं, ये बाप सदगुरु तीनों है, तुमको जैसे तीन इंजन मिले इसी समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं, वहां तो अलग अलग मिलते हैं, पहले बाप फिर टीचर और वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं, तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो, पूछ रहे बाबा। परवरिश का मीनिंग मालूम है ना, पालना, किसकी पालना में हो, कौन खिला रहा है, कौन, देखो एक होता है दुनिया में भी कहते हैं भगवान पाल रहा है, भगवान खिला रहा है, लेकिन एक्चुअल वो फीलिंग होती नहीं है। पर अब जब हम समर्पित करके फिर यूज करेंगे ना पूरे दिन, अब कि बाबा आपके भंडारी से ये लिया, ये फीलिंग से विद्रॉ करना, यूज करना, तब फील होगा कि नहीं बाबा पाल रहा है, बाबा दे रहा है। तो वह तो जिसको तुमने अब सब कुछ शिव बाबा को दान किया है, तुम्हारी परवरिश जैसे शिव बाबा के भंडारे से होती है, अब उनसे तुम पलते हो, कितना पवित्र अन्न मिलता है। ऐसा कभी होता नहीं जो कोई दान करे उससे उनकी परवरिश हो। ये भी एक नया कंसेप्ट है, जो चीज दी जाती वो तो उसके लिए होती ना, पर हम दान देकर उसकी परवरिश पलते उसका। हाँ राइट, ओनरशिप बदलते ही क्या बदल हो जाते, राइट्स बदल जाते, मैं ओनर ही नहीं हूं, पहले मैं चेयरमैन था, अब मैं चेयरमैन हुई नहीं, तो राइट्स पावर्स चली गई। तो पहले मैं चेयरमैन था तो जैसे मैं चाहता था वैसे कर लेता था, अब ये बहुत बड़ा रिस्क है। रेडी है? रेडी है सभी? बॉम्बे, महाराष्ट्र, कलकत्ता, ओनरशिप बदलने के लिए रेडी है? राइट्स भी चले जाएंगे, पावर्स भी चले जाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ लेकिन पहले तो देना तो पड़ेगा ना, राइट्स अपनी त्यागना पड़ेगा। अब वैसे नहीं यूज कर सकते जैसे हम चाहे, तो बाबा कहते हैं फिर ऐसा कभी होता नहीं कि दान देकर फिर उसी से पालना हो। यहां तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है, इसलिए तुम्हारी परवरिश होती है। बाप कहते घर में रहकर ऐसा समझो सब बाबा का है, ऐसे समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, इससे कोई इसमें कोई ममत्व नहीं है, बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं, पर बैठ के घर में हो, देखो क्या क्या फीलिंग हो, बाप का समझना फर्स्ट, बाप का दिया हुआ मैं खा रही हूं, ये बाबा का दिया हुआ है, ये बाबा का है और बाप को अर्पण किया हुआ है, तो अब क्या खा रहे हैं, अर्पण करने के बाद जो चीज मिलती है प्रसाद हो जाती है, और प्रसाद हमेशा बांट कर खाया जाता है, अकेले नहीं खा सकते, उनके हुक्म से खा रहे हैं, भल बैठे घर में हो परंतु शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। तुम्ही तो कहते हो ना तुम्ही से खाओ तुम्ही से घूमो, बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह हेल्दी बनने की सेनेटोरियम, उस सेनेटोरियम में सारी आयु थोड़ी रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं, यहां तो तुम बैठे हुए हो, एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो। अच्छा यहाँ आते हो किस लिए, आधा कल्प एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हेल्दी
ever pure, wealthy, ever happy, ever happy. तो वहां देखो खाली योगा में क्या होगा, हेल्दी वो भी एवर है, हेल्दी एंड हैप्पीनेस. हाँ तो हेल्दी हेल्थी वो भी एवर नहीं, एवर हेल्दी वेल्दी और एवर हैप्पी. इस ख्यालात से आते हो ना, यहाँ हवा खाने के लिए व तीर्थ करने तो नहीं आते हो, यहाँ आते हो शिव बाबा के पास. बाप भी आते पराए देश में पराए तन में. गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा. अच्छा आह्वान करते हैं बाप के आने के लिए, तो जरूर उनको पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़े. पतित तो नहीं परम धाम में उनके पास जाएंगे पावन होने के लिए, वहां थोड़ी जाएंगे पावन होने के लिए, उसको आना पड़ेगा. हाँ पहले जाए का कैसे, और जाए तो कितने जाएंगे वहां, और अगर इतने जाएंगे तो वो भी नहीं. मतलब अगर आत्मा की स्टैंडर्ड है कि पवित्र वहां वहां तो पवित्र वैसे ही पवित्र जाना वहां का रिक्विजिट ही है. अमेरिका में जाके वीजा थोड़ी लेना होता है, पहले लेना होगा ना, उसके बाद आप वो मीट करते हो क्राइटेरिया तो वहां अलाउड है. तो बाप भी आते हैं यहाँ आते हैं शिव बाबा के पास. पतित तो नहीं परम धाम में उनके पास जाएंगे पावन होने के लिए, जा नहीं सकते. हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ. अच्छा बाप कहते मैं आता हूं सबकी गति सदगति करने, सर्व के ऊपर दया करने वाला सर्वोदया तो एक बाप है ना. अच्छा कौन सी दया करते, श्रीमत देते. श्रीमत तो मशहूर है जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे. अच्छा फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, कोई तकलीफ तो नहीं देते हटियोग करने अथवा तीर्थों पर थक्का खाने की. अमेरिका हो फिलीपींस हो कहां भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है. जनक का मिसाल है ना, तुम्हारा है राज्योग. ये गृहस्थी में रहकर जहां भी एक से दो आत्माएं रहती है, एक टीम है और न्यारापन, यही सीक्रेट है सेफ रहने का और एक्चुअली खुशी रहने का. जब तक वो न्यारापन नहीं होता है ना, हर चीज में इफेक्ट होता रहता है. हाँ और इफेक्ट होते रहे जैसे कीचड़ है, तो फाइनली एंड ऑफ द डे में पूरा गंदा बन जाएगा. और यही क्रक्स है. अब न्यारापन कैसे हो, जब तक मेरापन होगा ना तो न्यारापन भी नहीं होगा. ये ओनरशिप निकलना ही न्यारापन की स्टार्टिंग है. हाँ नहीं तो मैंने जैसे कहा वैसे होना चाहिए, मेरी आइडियाज. बाबा इसलिए कहते ये है, कहा भी हो ग्रह व्यवहार में तो रहना चाहिए लेकिन कमल पुष्प समान. जनक का मिसाल है ना, तुम्हारा है राज्य. वह तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो काग विष्ठा के समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई जानती नहीं. प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे. गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है. झाड़ को पूरा होना ही है, फिर उसी झाड़ को सब जोना है. तो तुम आयो मात पिता पास रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मजा आता है. यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते, लॉ नहीं है. अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है जरूर. हाँ बाकी ये पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी. बाबा कब कहते थे गली गली में सेंटर होगा, ये विघ्न आदि न पड़े तो ये तो बहुत बढ़ जाए. इसलिए विघ्न पड़ते हैं. 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पड़ेंगे, इसलिए लिमिट है.
5,000 उस समय, आज जैसे हम 5,00,000 सोचे ना, तो इतना बड़ा ओम शांति भवन को भरना ये कितना बड़ा चैलेंज था दादी के सामने। 300 मेडिटेशन हॉल और उससे ओम शांति भवन 3,000 की कैपेसिटी, 5,000 अगर उस निकालते थे तो। इसके लिए लिमिट है जिनको बाप सम्मुख देख भी सके। बाप देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर को नहीं देखते। अच्छा बाबा जोर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा। चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रुहानी बच्चों की रुहानी दादा का गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा 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 बाबा। अच्छा पहला पॉइंट है ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। बाप टीचर गुरु, दूसरा है बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर, उनकी परवरिश के नीचे पलना है। बहुत मीठा पावन बनना है। पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। वरदान है अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण हर शक्ति हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है ना, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हो। ओके, एक्चुअली ज्ञान में तो हमारी मास्टरी है, गुण भी है ही आत्मा में और शक्तियां है, टाइम पे यूज नहीं होता है, पर है तो सही, मास्टरी तो है। तो अगर इस फीलिंग से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मतलब अगर ज्ञान है और ज्ञान को बिलीव करते हैं फिर वो गुण आएंगे। अच्छा स्लोगन है अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। ये फील होता है ना प्रभु की पालना, तो अमृत वेला मिस किया मतलब क्या मिस किया? अमृत वेला और मुरली मिस की मतलब बाबा की डायरेक्ट पालना मिस की। एक्चुअली 100 आउट ऑफ 100
75 अमृत वेला 100 गुड 100 गुड हाँ 150 बहुत अच्छा 100 से तो ऊपर नहीं होगा ना परसेंटेज 100 गुड 330 कर लो अभी क्या है 21 22 23 और 24 तीन दिन हाँ 22 23 24 तीन दिन जब तक हम मम्मा को भोग लगाए प्यार से 3 फाइनल डेज 330 फरिश्ता फैमिली है ना 330 ठीक है समान धारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय बन जाता है जैसे ब्रह्मा बाप को देखा आदि देव होते हुए ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज होना बाबा का दिल से कितना सम्मान था हर आत्मा को जहां सम्मान होता है ना वहां क्रोध नहीं आता वो एक बार निर्मल शांता दादी को कुछ बनाना था ना नहीं बाबा ने बोला रसगुल्ला बनाओ जाओ तो बोला बाबा मैं क्यों बनाऊं सत्युग में तो मैं महारानी बनूंगी तो मुझे क्यों बनाना है मेरे पास दासियां होंगे ना बनाने के लिए तो बाबा ने कहा अब देखो बाबा ने कैसे समझा नहीं बाबा ने कहा कि बच्चे अगर तुम्हारा दिल हुआ वहां रसगुल्ला खाने की और तुम्हारी दासी को बनाने ना आया तुमको तो आना चाहिए ना बाबा क्रोध नहीं करते तो कैसे जहां क्रोध नहीं होगा ना वहां सम्मान होता है जहां इरिटेशन होगा वहां भी सम्मान नहीं होता द मोमेंट कोई नेगेटिव आ जाएगा सम्मान चला जाता है अच्छा जी